जंगल व अन्य प्राणियों से घिरे आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में वन्य प्राणियों के शिकार के मामले में शहडोल वन विभाग ने वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली की सूचना पर शहडोल की वन विभाग की टीम ने 3 ऐसे आरोपियों को पकड़ा है जो अपने शौक पूरा करने के लिए वन्य प्राणियों का शिकार बड़े त्योहार या पार्टी मनाने के लिए किया करते थे। इतना ही नहीं, वन्य प्राणी का शिकार झाड़ फूक व शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया करते थे। घर की तलाशी के दौरान वन्य जीवों के भालू, जंगली सूअर के दांत सहित बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं पकड़े गए आरोपी करुणेंद्र के साथ वन विभाग के द्वारा टॉर्चर कर मारपीट किया गया। आरोपी के शरीर में मारपीट के निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उसके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हुए मारपीट की गई। वहीं वन विभाग के अधिकारी मारपीट की घटना को सिरे से खारिज करते हुए मारपीट नहीं किए जाने की बात कह रहे हैं। शहडोल जिले में वन विभाग की सूचना पर वन्य जीवों के शिकार के मामले में शहडोल शहर में रहने वाले एक व्यक्ति करुणेंद्र सिंह के घर छापामारी कार्रवाई की गई। घर की तलाशी के दौरान भालू, जंगली सुअर के दांत सहित बड़ी संख्या में कारतूस बरामद की गई। वन प्राणियों के शिकार के मामले में वन विभाग ने शहडोल वन विभाग ने मुख्य आरोपी करुणेंद्र सिंह के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी करुणेंद्र के साथ चीतल का शिकार कर उसका मांस खाने वाले आरोपी अभयराज सिंह, जयंत सिंह उर्फ मिंटू को भी वन विभाग शहडोल ने गिरफ्तार किया है। वन प्राणियों के शिकार के मामले में वन विभाग ने अभी तक 3 लोगों करुणेंद्र सिंह, अजयराज सिंह, जयंत सिंह उर्फ मिंटू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अपना शौक पूरा करने के लिए वन्य प्राणियों का शिकार बड़े त्योहार या पार्टी मनाने के लिए किया करते थे। इतना ही नहीं, वन्य प्राणी का शिकार झाड़ फूक व शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया करते थे। वन विभाग ने यह कार्रवाई वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली की सूचना पर शहडोल की वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। वहीं इस मामले में आरोपी करुणेंद्र सिंह को वन विभाग ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसकी पत्नी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। करुणेंद्र की परिजनों का आरोप है कि वन विभाग के लोगों ने करुणेंद्र सिंह के साथ मारपीट की, शरीर में चोट के निशान पाए गए हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी मारपीट की घटना को सिरे से खारिज करते हुए मारपीट नहीं किए जाने की बात कह रहे हैं। शहडोल से जोगल किशोर मिश्रा की रिपोर्ट। एक आरोपी को पकड़े थे कि ये चीता शिकार वगैरह के जो मामला था, इसमें क्या था मामला, किस तरह का ये शिकार, कितने शिकार किए थे, कितने आरोपी हैं, क्या WCCP से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर करुणेंद्र सिंह को के घर में छापा मार की कार्रवाई थी, जिसमें काफी मात्रा में जिंदा और मुर्दा कारतूस जब्त हुए हैं और वन्य प्राणी के अवयव भालू के दांत, नाखून और जंगली सुअर के दांत भी इसमें जब्त हुए हैं। इसी परिपालन में उसको फॉरेस्ट ने विवेचना हेतु अभिरक्षा में लेकर PR में लिया, जिसमें उनके द्वारा बताया कि गुंडुटी के जंगलों में जाकर उनके द्वारा सिखाए दिन शिकार किया जाता है अपने टीम के साथ, अपने गिरोह के साथ, और शिकार करके अवय जो वन्य प्राणी के जो अवय हैं उसको खाया भी जाता है और बहुत कुछ अपने झाड़ फूक के लिए और अपने शक्ति के लिए घर पे लेकर भी आते हैं। कितने आरोपी मैडम? अभी तक 3 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है, विवेचना जारी है। यदि सबूत और साक्ष्य अन्य आरोपी के भी आएंगे तो 4 आरोपियों को भी कितना शिकार कर चुके होंगे शीतल पार्टी में, और कौन लोग शामिल है जो पूछताछ लगभग कितने शिकार कर चुके होंगे? लगभग उनके द्वारा, ये आरोपी के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जो भी प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, होली हो गया, दिवाली हो गया और नए वर्ष हो गए, इन सभी में आए दिन वो शिकार करते हैं खाने, और शिकार करने के बहुत शौक रखते हैं, इसलिए उनके पास विभिन्न प्रकार के कारतूस भी हैं और बंदूकें भी हैं। जी बिल्कुल, गिरोह ठीक है, इसमें अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 और आरोपी की तलाश जारी है। श्रद्धा पंडे, अभय राज ने बताया था कि इस पार्टी में मिंटू के द्वारा 2 और सदस्य लाए गए थे, तो उन लोगों की भी खोजबीन जारी है। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं तो जानती ही नहीं हूँ कि आप लोग किस मसले के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा भालू मिले हैं? अच्छा हाँ, जो भालू और जो दांत मिले हैं उसके बारे में आरोपी ने स्वयं ने बताया कि वो अपने बच्चों के क्या कहना चाहिए इसमें उपयोग करता है और
क्या झाड़ फूक में करता है और ये बोलता है कि क्या इसको रखने से हमारे घर में हम शक्तिशाली बन जाएंगे, हम हमारे जो कामनाएं होगी वो पूरा करेंगे, और इस प्रकार से वो अपने साथी और अपने परिजन को भी इस चीज को देता रहता है। उन्होंने अभी विवेचन अधिकारी के आधार पर उन्होंने तो घुंघुटी में हर त्योहारों में चीतल खाता है। अभी रिसेंट में मिंटू सिंह है, उन्होंने उमरिया में जिसका केस चल रहा है वो दिसंबर में भी मारा था। हर त्योहार, हर फेस्टिवल, हर नए वर्ष और हर क्या कहना चाहिए महीने में मतलब शिकार करके खाना शौक रखता है। यस।